वेल हे गाइस, तो आज का कमेंट है रेन गोकू। तो चलिए हम रेन गोकू को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं कलरिंग की ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अब इंकिंग करने के बाद ग्रेफाइट तो इरेज करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि फिर वो कलरिंग में दिक्कत करेगी ना। तो पहले हम इरेज कर लेते हैं और फिर अब हम करेंगे कलरिंग। तो कलरिंग के लिए मैं लेता हूँ डॉम्स के 100 रुपीज़ के पेंसिल कलर, और सच बताऊँ तो ये काफ़ी बढ़िया कलर है और सस्ते दाम में भी है। शुरुआत करेंगे हम रेन गोकू के ब्लड से, और ब्लड को अप्लाई करने के लिए मैं ले रहा हूँ ब्रश पेन। और यहाँ पर ब्रश पेन भी ये काफ़ी बढ़िया है, और कलर मतलब पेज आपको बिल्कुल बढ़िया रखना है, मतलब 150 GSM से ऊपर का या 150 GSM तक आप रख सकते हैं पेज को। और अगर आप इससे नीचे तक का पेज यूज़ करते हैं तो आप मत कीजिएगा इस पर ब्रश पेन का यूज़, क्योंकि पेज काफ़ी गीला टाइप का हो जाता है और फिर उसके ऊपर कलरिंग भी अप्लाई नहीं होगी। मुझे भी सुखाना पड़ता है पहले थोड़ी देर के लिए, तब जाके इस पे मैं कलरिंग को अप्लाई करता हूँ। तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। रेड कलर कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हमें और भी कलर अप्लाई करने हैं ब्लड में, क्योंकि यहाँ पर लाइक डार्क टाइप का ब्लड है। और अब हम डार्क ब्राउन को यूज़ करेंगे, और फिर अगर हमें उसके ऊपर और ज़्यादा डार्कनेस चाहिए पड़ेगी तो हम ब्लैक कलर का भी यूज़ कर लेंगे। अगर तुम्हें कुछ और भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूंगा। और अगर आंसर ट्यूटोरियल वीडियो के हिसाब से चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल परफेक्टली और कुछ बता दूंगा जो आपको पूछना होगा। जो ब्लड की कलरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे फेस पर अप्लाई कलरिंग को। तो हम लेंगे लाइट ब्राउन, और लाइट ब्राउन से जहाँ जहाँ पर शेडो आ रही है वहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। देखो शेडोज में थोड़ी सी पिंकनेस भी आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर पिंक कलर को अप्लाई कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर कुछ कलरिंग को मर्ज करते हैं तो आप कलर बिल्कुल डायरेक्टली डार्क ना करें, आप बिल्कुल लेयर बाई लेयर कलरिंग को अप्लाई करें ताकि वो कलर बिल्कुल ही मर्ज हो सके और जो कलर हमें चाहिए है वो अच्छे तरीके से बन सके।
तो अब बारी आती है फेस की लाइटनिंग वाले कलर की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा है कि आपको लेयर बाई लेयर ही करना है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल लेयर बाई लेयर कर रहा हूँ। पहले लाइट करूँगा और अगर मुझे और ज़्यादा डार्क चाहिए पड़ेगा तो डबल लेयर या ट्रिपल लेयर में अप्लाई करते जाऊँगा, ताकि इससे हमें ये भी लगता है मतलब कि कलरिंग बिल्कुल स्मूथली हो जाता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। कलरिंग अप्लाई हो जाने के बाद हम करेंगे ब्लैक कलर से जो आईब्रोज हैं उसको ड्रॉ। और ब्लैक कलर नहीं, मैं ब्लैक जेल पेन का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आउटलाइन में ब्लैक जेल पेन का यूज़ करता हूँ और काफ़ी बढ़िया है 5 रुपये इसका ब्लैक जेल पेन को अप्लाई यूज़ करना। कलरिंग बिल्कुल ही सेम लग रहा था, फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा और डार्क करना है, तो मैंने उसके ऊपर एक और लेयर को अप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे क्लोथ में, तो क्लोथ में जैसे कि कलरिंग आपको इमेज के हिसाब से देखनी है कि कहां पर कौन सा कलर है, और ये एब्जॉर्ब करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि कहां पर कौन सा कलर को अप्लाई करना है। और प्रैक्टिस करते रहो और ट्यूटोरियल्स वीडियो भी देखने जरूरी हैं, ताकि ये भी पता चलता रहे कि कौन सा कलर बेस्ट है क्वालिटी मतलब कलरिंग की, और कौन सी कंपनी बेस्ट है लाइक ऐसे पेपर की कंपनी। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डॉम्स के पेपर 150 GSM, और ये काफ़ी बढ़िया है और सस्ते बजट में भी है, तो बिल्कुल एक नंबर है। और अब हम करेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर का मार्कर को यूज़, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइटनिंग देनी पड़ती है एक ग्रे कलर से, तो बस हमें पहले मार्कर का यूज़ करना है और जहाँ पर हमें लाइटनिंग देनी है वहाँ पर हम मार्क मतलब ग्रे कलर को अप्लाई कर देंगे और फिर उसके ऊपर हम ब्लैक कलर को अप्लाई कर देंगे। तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। हाँ, तो अब हम करेंगे हेयर्स में, तो हेयर्स में मैं पहले कर रहा हूँ लाइट ब्राउन कलर का यूज़, और फिर हम उसके ऊपर येल्लो कलर को करेंगे, और यहाँ पर रेड रेड सी जो लाइनिंग आ रही है ना कलरिंग में मतलब ऑरेंज टाइप की है, तो वहाँ पर हम ऑरेंज ब्रश पेन का यूज़ कर लेंगे। और आपको तो पता ही है कि मैं ब्रश पेन के ऊपर कलरिंग को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, और ये 150 GSM के पेपर की वजह से ही है। अगर हम 100 GSM का पेपर यूज़ करते तो शायद से इतना नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने आप ही ऊपर उठने लगता, और अगर हम उसके ऊपर पेंसिल कलर को अप्लाई करते तो शायद से वो फट भी सकता है। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर ऑरेंज ब्रश पेन का यूज़ करूँगा, क्योंकि हेयर्स में ऑरेंज और थोड़ा सा रेड कलर को मिक्स करके जो कलरिंग बनती है वो बिल्कुल परफेक्ट है हेयर्स के रेफरेंस इमेज के लिए। तो बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और एक आज मैंने गणेश जी की ड्राइंग करी थी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है ना, और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, बट मैं क्या करूँ, मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिला ना इतना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको भी अपने मनपसंद कैरेक्टर को ड्रॉ करवाना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, तो मैं आपके कैरेक्टर को भी ड्रॉ करूँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना यार। सब्सक्राइब भी कर लेना, अनसब्सक्राइब करके मत भागना, मैं ज़रूर से ड्रॉ करूँगा तुम्हारा कैरेक्टर। जब इतने लोगों की सुनता हूँ तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनूँगा यार।
तो हमारा रेन गोकू कंप्लीट होता है। अगर आपको भी ऐसे कोई कैरेक्टर को ड्रॉ करवाना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एनिमे कैरेक्टर्स के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।